दस बजे तक मैं हवर में जाऊंगा देखने के लिए, दो घंटा में। सुबह आठ बजे में आज तक मैं किसी को नहीं बोला मैं तुम हवर में बैठो, क्योंकि मेरा मेरी पास इतना मंत्र है, इतनी शक्ति है, मेरे को किसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अब तो मैं बोलता हूँ कि सुबह कल आठ बजे में हवन में चला जाऊंगा और मैं यहाँ ग्यारह बजे आऊंगा और सात बजे तक ही रहूंगा, क्योंकि आप तुम्हारा भाई बहन ठीक होने के बाद भी आप लोगों को ये नहीं बता तो हम ठीक हुए, अगर नहीं ठीक होते तो कोई नहीं आते। ये एमएलसी का चाचा है, यहाँ के एमएलसी है, नाम सौरभ कुमार कैसे कुछ नाम है, सौरभ कुमार। ये जो होटल, ये जो होटल है ना, ये कीड़े ने उसने शक्कर खाई है और अभी वो मेरे पास में आया, बाबा जी मेरी सौ शुगर कम हो गई, लो बात करो। मैं बाद में एक एक आदमी को देखता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से देखने दो। तुम्हारा लोगों ने ना बोल दिया नहीं ठीक हो गए, मैं बोलता हूँ ठीक करूंगा मैं। अगर तुम्हारे बच्चे को सीपी है तो पांच दिन में ठीक नहीं होगा, उसको कम से कम तीन केम में पांच पांच दिन तीन बार लाना पड़ेगा। डॉक्टर तो उसको कभी जिंदगी में ठीक नहीं नहीं ठीक नहीं कर पाएगा उसको, दुनिया में उसकी दवाई नहीं है सीपी की। ये जो सीपी बीमारी है उसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कोई दवाई नहीं है ना, कि लकवा वाले कितने साल से तुम 50 नहीं 500 बार दवा खाने जाके आए, यहाँ सुबह से शाम तक तुम परेशान हो जाते हो और मुझे परेशान करते हो, और लोगों किसी को पीछे बैठना ही नहीं है, सबको आगे ही बैठना है, सबको आगे बैठना है। थोड़ी व्यवस्था रखो। आज मेरी बच्ची आ रही है, आपने मेरी बच्ची का नाम शायद सुना होगा। मेरी बच्ची एक बार किसी को हाथ लगा दे, एक बार उसको सीपीओ की सीपीओ खत्म कर देती है, मेरे से नौ गुना शक्ति रख रही है और वो भी आ गई है, लेकिन मैदान में मैं उसको नहीं उतारूंगा। मेरी बच्ची को कोई धक्का मार दे, कोई ऐसा हाथ खींचा खींच करे, अभी वो छोटी आठ साल की है, अगर मेरे को अगर मेरे को जो पैरवी करना है तो मैं एक आदमी को ठीक करने का 1000 रुपया रखता था और मैं घर पे बैठता था, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, ये सेवा करने का था, तब मैं तुम्हारे गांव में आया। और यहाँ जो भी दान आएगा वो पूरा यहाँ की पांच लड़की की शादी में जा रहा है, मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। और जिस दिन मैं 1 रुपया लेने लग जाऊंगा, अगर मेरे को पैसा कमाना तो मैं 3 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। 1 लकवा वालों को ठीक करने का 1000 रुपया रखो। आप कौन कौन 1000 रुपया देने के लिए तैयार? हाथ ऊपर करो, तुम देखो हाथ ऊपर होने लग गया, देखो हाथ ऊपर होने लग गया, हाथ ऊपर होने लग गया। मैंने बोला ना तुम्हारा कुछ नहीं नहीं चाहिए, बस तुम मुझे व्यवस्था दो, आप लोग मुझे व्यवस्था दो, क्योंकि यहाँ YouTube वाले इतने आते हैं। हमारा मरीज को देख लो बाबा जी, हमारा मरीज को देख लो। मैं वो YouTube वाले का मरीज को देखने जाऊँ तो तुम्हारा मरीज को कब देखूंगा, तुम्हारा मरीज को मैं कब देखूंगा। आज मैंने आप जब 9 बजे आए होंगे तब मैंने दोनों लाइन खाली करके रखी थी। आज मैंने ब्रह्मास्त्र मंत्र उठाया था सुबह में, और एक बार मैंने आज सुबह से बोल रहा हूँ कि मैं 1:30 बजे के बाद देखूंगा, 1:30 बजे के बाद क्यों बोलता था मैं, और एक बात एक एक आदमी को देखने का सोच रहा हूँ। मैं रोज हाथ खींचता हूँ ना, वो तो हाथ पैर खींचता हूँ, लेकिन मैं जो एक एक आदमी को जो चतर डालता हूँ ना, एक एक आदमी पे, एक एक बच्चे पे, एक एक लकवा वाले पे, उसका पूरा रोग मैं खींच लेता हूँ, पूरी जितनी नसे उसके ब्लॉक होते हैं ना नसों। तुम्हारा शरीर में कोई हड्डी क्रैक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं नस ब्लॉक हुई है कहीं ना कहीं। ये अभी जो सीपी वाले बैठा है ना, दो सौ बीमारी का हे भगवान, ऐसा ना सारा लोग निमन हो जाए।